मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसको देखते हुए खतौली विधानसभा के क्षेत्र में एक बार फिर चुनावी माहौल बन चुका है। आज खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव दाखेड़ी और सिखेड़ा से रॉयल बुलेटिन ने उपचुनाव पर चर्चा की। आइए जानते हैं क्या कहते हैं क्षेत्रवासी। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ प्रधान, दाखेड़ी। उपचुनाव है खतौली विधानसभा में, किस तरह के मुद्दे यहाँ के हैं? यहाँ पर उपचुनाव है खतौली विधानसभा में, उपचुनाव जैसा है तो ग्राम दाखेड़ी से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। आप प्रधान है, कितना वोटिंग बैंक है यहाँ, किस तरह के समीकरण? यहाँ लगभग वोट 2800 करीब वोट हैं, लेकिन वोट गिरने वाली जो है, जो चुनाव होता है तो लगभग 2100-2200 में हो जाएगा। उसमें पहले से ही वोट मिलती थी गांव में से 200-225 वोट मिलती थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब की इस बार बिल्कुल आमने सामने की टक्कर रहेगी। 10-20-50 लोकदल को फालतू मिल जाए, 10-20-50 वोट भारतीय जनता पार्टी को फालतू मिल जाए। प्रत्याशी तो सभी गांव में आते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी तो जब कोई चुनाव लड़ेगा तो अपना अपना सभी प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ बात है, जनता पार्टी को तन मन धन से सपोर्ट कर दिया। इस बार बदलाव है, बहुत काफ़ी बदलाव है। उपचुनाव में फिर से बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असर। आप उपचुनाव है खतौली में, किस तरह का माहौल बना हुआ है? हमारे यहाँ माहौल तो बहुत अच्छा, भाजपा के पक्ष में ज़्यादा। अच्छा, मुस्लिम समाज लगातार भाजपा का विरोध करता आया है कहीं ना कहीं? समाज का ऐसा मैटर था, वो सब लोग कह रहे थे यार भाजपा ने ऐसा क्या पिला दिया, ऐसे क्या पिला दिया, वो होता नहीं जैसे बालक को लोली फूंक देते हैं और वो उसी के गुण गावे, मैंने दे दिया तो मेरे पीछे हो लिया। हमें भी ऐसे ही दे रखा था दूसरी पार्टियों ने, अब जब हम समझदार हो गए, अब जब हमने वो लोली फूंक खाना बंद कर दिया, अब हम समझ गए हमारा क्या अच्छा और क्या होगा, इसीलिए हम भाजपा के साथ। अच्छा, सपोर्ट में सपा की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है, उनके कार्यकाल और बीजेपी कार्यकाल में किस तरह के प्रभाव अंतर देखने को मिलते हैं? अंतर तो बिल्कुल साफ है, अंतर देखने को सबसे बड़ा यू मिल रहा है। भाजपा भी सरकार है, सब लोग कह रहे थे अरे मुसलमान लोग मार देंगे, मुसलमान लोग मार, हम तो नहीं मरेंगे। बात सुनो, जो गलत काम करेगा वो तो कोई भी हो पीटे ही पीटे, वो कोई हो करके देख लो, अगर हमारा बच्चे ही गलत काम करो घर में तो हम मारेंगे नहीं उसे। ये तो फिर भी सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, इतनी बड़ी सरकार चलती है, जब हम गलत काम करेंगे तो सरकार का हक बैठा है, पुलिस का भी हक बैठा है कि वो हमारे सही सुधारने के लिए सही ढंग का लाएगी, तो हमारे घर में बच्चे हमारा गलत काम करेगा हम भी मारेंगे। अच्छा, कवाल के पास आपका गांव है, यहीं से गौरव की माता जिनका लड़का यहाँ पे दंगे में मारा गया था, उनकी माता भी चुनाव मैदान में इस बार, किस तरह देखते हैं? मेरी बात, घर घर में भी झगड़े हुए, अपने घर में भी झगड़े हुए, अपने गांव में भी झगड़े हुए, अपने क्षेत्र में भी झगड़े हुए, तो इसका यह मतलब नहीं कि सारी ज़िंदगी हम उनसे मुँह मोड़ते रहे। मैं भाई झगड़ा हुआ था, सारी बात हुई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भाई झगड़ा हो जाए, घर में भी हो जाए, तो इसलिए हम उससे सारे झगड़े को भुला के भाजपा को सपोर्ट करें, सारा गाँव भाजपा को वोट दे। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसरत है जी। हजरत जी, खतौली विधानसभा में उपचुनाव है, किस तरह चुनाव देखते हैं, क्या माहौल चुनाव का बना हुआ है? चुनाव का माहौल तो जी सर यहाँ बहुत बढ़िया है। किसके पक्ष में माहौल जा रहा है? फूल चलेगा जी, यहाँ तो थोड़ा फूल चलेगा जी, फूल चलेगा। तो किन बातों से प्रभावित हैं बीजेपी की, जो आप बीजेपी की? हमारी एक बात समझ में आई है कि मैं दुकानदार आदमी हूँ, दुकान करूँ छोटी सी जी, तो अब से पहले सरकार जो थी कई बार तो मेरे पास उसका नोटिस भी आया दुकान का, अब तो उसका जब से भाजपा सरकार आई मेरे पर कोई नोटिस नहीं आ रहा, यानी मुझे मैं कोर्ट में जाके उसका जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि घर तो आवे नहीं था, और सीधा कोर्ट से मेरे पर पर्चा आएगा, चलो उसे छोड़ दो। एक सबसे बढ़िया बात यह हो, हम रुपये लेके जा सौदा लेने, रास्ते में कोई टोकने वाला नहीं, बिल्कुल
सेम जाते हैं, और अगर रात भी हो जाए किसी वजह से तो बिल्कुल दिल में ये डर नहीं रहता कि हमें रास्ते में कोई आदमी छेड़ दे। बस कहने का डर लगे कोई रास्ते में कुत्ता ना आ जा, और एक डर और थोड़ा सा एक है कोई गाय ना टकरा जाए, इसका थोड़ा सा डर लगा भाई। स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे रात में गाय की बात कर रहे हैं, ग्रामीण एरिया है, आवारा गोवंश को लेकर लगातार विपक्ष मुद्दे उठाता रहा है जी। किस तरह देखते हैं क्या गांव आवारा गोवंश का यहाँ पे प्रभाव है खेती का? है, खेती में इसका बहुत असर है। इसके लिए थोड़ी कमी जो है कि गाय जो है मतलब जंगल में फिर जहाँ किसान परेशान है, देखिए हम तो है नहीं, हमारा तो एक प्लॉट है छोटा सा, उसमें वो रखा था हमारा, तो उसमें जमीन खाली सारी खा ले तो कोई बात नहीं, मैं कहाँ जाऊँ खा, लेकिन अगर उनका कोई किया हो जाए जरा चड्डा है चड्डे में फिर बिना उनके लिए कहीं किया बन जा तो अच्छे से जाए बढ़िया रहेगा क्या? उपचुनाव है, सरकार पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, लेकिन इससे कोई क्या नगर निकाय चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव है, उन पर फर्क पड़ने पड़ेगा इन चुनाव से? ये सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव का। देखो और बात मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है इसमें भाजपा 100% यहाँ से जीत के जाती। मदन भैया प्रत्याशी गठबंधन से यहाँ पे आए भी होंगे, उनके प्रतिनिधि आए। तो देखो मदन भैया को आज तक हमने देखा नहीं है, अगर देखा भी हो तो मुझे उसके नाम से वाकिफ भी नहीं है, लेकिन हम तो यहाँ से जो मतलब हमारे पड़ोस के हैं विक्रम सियानी साहब कवाल के जी, हम तो इसके पक्ष में हैं और इसे ही वोट देंगे। और अगर कोई आप ही यार कह दे भाई हमारे साथ फोटो खिंचवा लो, ले भाई जब हम तुझे वोट नहीं देंगे तो हम तेरे साथ फोटो क्यों खिंचवाएंगे? कल को क्या होगा वो दूसरा पार्टी फोटो ऐसा हम खुद काम करते ही नहीं, सीधी सी बात है कि अरे जब हमें एक आदमी चुनना तो उसी का हाथ पकड़ लो ना, हमने भाजपा का हाथ पकड़ रखा आपके और अपना भाजपा को वोट देंगे। लोगों ने पहले बहुत बरगला लिया, मैं पिछले चुनाव में बहुत लोगों ने बरगलाए, अलग वोट बैंक रहा है अजी, कहीं कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई किसका जा रहा कोई पता नहीं लग रहा, किसकी झोंपड़ी, किसका टेलीफोन, किसका फलाना, किसका ढिगड़ा फूल, किसने यार आपके फूल को याद कर रहे, हमें फायदा हो रहा। ठीक है, गुलबार भाई उपचुनाव है, क्या करते हैं आप मजदूरी करते हैं? और अच्छा गुजारा चल रहा है अपना इस सरकार में, पहले जो था कपड़े नहीं थे कुछ नहीं था, अच्छी कंडीशन में अच्छा वो 500-700 रुपए आराम से कमा लेते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा चल रहा है। अरे किस तरह के मुद्दे हैं गांव में चुनाव को लेकर, प्रतिनिधि आ रहे होंगे, प्रत्याशी भी पहुंच रहे होंगे? विकास के मुद्दे में तो भाजपा बहुत अच्छी रही है। अच्छा विकास भी क्या, सबका साथ भी लिया, और जो पहले का मनमोटाव था कुछ लोगों के हाथ में यानी कि सोचते थे कि हमको अब भाजपा को वोट ही नहीं देना, अब तो सब साथ जुट गए हैं, भाजपा को वोट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, दिल और जान से रहेंगे पूरे भाजपा। क्या नाम है आपका? राम कुमार शर्मा। राम कुमार जी, खतौली में उपचुनाव है, किस तरह का माहौल बना हुआ है वहाँ? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, विक्रम सिंह की घरवाली जीतेगी भाई। ऐसा क्या है? ऐसा है बीजेपी की का हिसाब किताब जो है गुंडे कर दी, सब खत्म कर दी, हर गरीबों को खाने को रोटी दे रहे हैं आराम के साथ, फ्री राशन बांट रहे, इतने दिन हो रहे कांग्रेस को राज करते हुए और इसे लोक दल को राज करते हुए सारे काम हो रहे, किसने किसानों को पैसे दिए और किसने गरीबों को नाज दिया और वो दिया के सामने आरएलडी से प्रत्याशी गठबंधन प्रत्याशी? नहीं वो तो कहेंगे कि हम जीत जाएंगे, नहीं दिख रहा जब बाद में वोट खुलेगी, जब बीजेपी का जीत जाएगा जब अपना आप पता लग जाएगा। बाहुबली कहा जा रहा है उन्हें? हाँ उन्हें तो बाहुबली पहले कहते हुए पहले भी रिट गए थे, फिर रिट जाए बीजेपी तो बाहुबली रहेगी। हाँ बीजेपी बाहुबली रहेगी, और जो लोग दल वाले हैं तो फिर ढह जाएंगे, इनका हिसाब किताब तो रहा भाई, पिताजी का राज आया था कहने मेरे सिर पर भी गन्ना बो दो, किसानों की वो कहा था, बताओ किसानों की इन्होंने कौन से पेंशन दी, किस किसान ने खत्ते में पैसे भेजे, एक बीजेपी का राज ऐसा आया जो इन किसानों खत्म पैसे जा रहे, मजदूरों को मुफ्त नाज मिल रहा और मजे के साथ खा रहे। मोहम्मद मुस्तकी भी उपचुनाव है खतौली में, कौन सा ये गांव है, किस तरह के अहम मुद्दे हैं गांव में? हमारा गांव दाखेड़ी है, और इस बार काफ़ी दिनों से हम और पार्टी को वोट देते आ रहे थे, और इस बार हम बीजेपी सरकार
वोट दे रहे हैं। ये पार्टी बढ़िया है, जानदार है, सबका भला चाहती है और विकास भी काफ़ी हो रहा है। आरिफ प्रधान है हमारे गांव के, ये छोटे मोटे झगड़े को भी गांव में निपटा देते हैं। और कुछ गुंडे हैं ऐसे जो ये गांव में लड़ झगड़ा चाहते हैं बहुत, लेकिन ये बहुत सुख शांति से गांव में रह रहे हैं सभी भाई, कोई किसी को दिक्कत नहीं। और प्रधानमंत्री ने जो योजना दे रखी है, भाई कोटा मिल रहा है फ्री, गैस सिलेंडर मिले हैं सभी भाइयों को, पानी के नल लग रहे हैं और हमारे गांव में टंकी भी लगवा रहे हैं इस बार। और हमारे गांव में भाई संजू बालियान हैं, ये भी हमारे गांव की बहुत देख रेख में है। और हमारे प्रधान जी को भी इनसे बहुत बड़ा लगाव है, हरी प्रधान जी के सभी आदमी इनके साथ में जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। सब भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, चाहे कोई दखेड़ी का रुख जो है, जो हमारे आरिफ प्रधान हैं इनके करीब 500-700 वोट हैं करीब, ये सारे प्रधान के साथ में है और ये सब वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएंगे, चाहे कोई आवे या ना आवे। और आवे भी तो सब अपने काम के लिए हमी है भाई, पर इस बार जो है हमारे वोट जितने भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएंगे। रालोद प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया आ रहे होंगे गांव में, किस तरह के वादे कर रहे हैं, क्या उनकी नीतियाँ हैं? बच्चे वादे तो सभी चुनाव आते हैं करते हैं, लेकिन जीत गए तो कभी देख लिया आके, और जीतते नहीं तो कभी ऐसा भी नहीं जो मान लो आके गांव में देख ही लें, दुआ सलाम भी नहीं कभी। और हमारे यहाँ करीब के हैं ये भाई कवाल वाले, हमारे पड़ोस में हैं, इनके ही साथ में हम भी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है भाई। अशरफ जी, उपचुनाव है फसवा जी, किस तरह का माहौल? बहुत अच्छा भाई माहौल, मैं बीजेपी को जितावेंगे और है सब उसके उसी के साथ है। किस तरह के काम है बीजेपी के, क्या लगता है? काम बहुत अच्छे, क्या फायदे हो रहे भाई? फायदे ही फायदे हो रहे जब से बीजेपी सरकार आई, अब एक फ़ायदा हो तो गिनवाऊँ भी। अब ये जो इनका है ना, इनको सबका साथ सबका विकास, मेरे हिसाब से तो नारा को बदल देना चाहिए, सबका साथ और सबका विकास तो है सही, लेकिन सबका साथ उसके साथ है जो अच्छे काम करे, उसके साथ है सबका विकास और सबका साथ। अब सबका साथ कह दें, हम काम तो खुद गलत करते फिर रहे, फिर हमारा साथ कौन दे देगा भाई? सोचो तुम भी इस बात को, तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे भी हो, हम तो अनपढ़ लोग हैं। इस उपचुनाव में जिसका पलड़ा भाई लड़ा कौन देगा भाई? बीजेपी जीतते ही। श्याम सिंह सैनी, मंत्री दी गुड़खंड साहिब ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन। भाई चुनाव में तो क्योंकि लोग कहते हैं 2014 से पहले का भारत और 2014 से बाद के भारत में अंतर दिखता ही है, तो उम्मीद तो यही है कि भाई पहले से ज़्यादा वोटों से भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, पहले से भी ज़्यादा, पहले 16,000 से जीता था आपके, बीजेपी जी सुनिश्चित है। बीजेपी ने विकास कार्य बहुत किए हैं, हाँ, दिल्ली चले जाओ या बाईपास पे चले जाओ या रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, और फ्रेट कॉरिडोर बनाया, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं उन्होंने, फ्रेट कॉरिडोर बनाया, मालगाड़ी बिना लाल बत्ती के दौड़ी चली जाएगी, 24 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने पे माल पहुंच जाएगा, और व्यापारी अपना रैक भी उसमें लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे विकास कार्य करें, विकास कार्यों पर जनता वोट देगी भाजपा को, और मोदी जी का और योगी जी का अंतर दिख ही रहा है कि 2014 से पहले का भारत और 2014 से बाद का भारत। बोलो, मोहम्मद फुरकान। मेरा गांव दाखेड़ी जिला मुजफ्फरनगर थाना सिगेड़ा। किस तरह के मुद्दे हैं गांव में, क्या गांव में विकास के मुद्दे? क्या क्या मांग है गांव की, क्या विकास होना बाकी है? भाजपा सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं, जो कुछ मांगे उनसे विकास के लिए, सारा विकास हुए पड़े, सारे रस्ते खड़ों जे नाली खड़ों सब बना पड़ा, अच्छा बेहतरीन, जवाब भी नहीं।
चुनाव है कतौली विधानसभा में, किस तरफ रुझान कितना है आपका? भाजपा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। गठबंधन से मदन भैया भी प्रत्याशी हैं, कहाँ जाएंगे उसे ढूंढन, कहाँ जाएंगे उसे ढूंढन भाई, हम गाजियाबाद, अरे हम तो यहीं से कवाल के नज़दीक के नज़दीक ढूंढ लेंगे अपने को। है जी, ना 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 कोई परहेज नहीं, पहले से ही कोई परहेज नहीं। कितना वोट बैंक है गांव में? हमारे गांव में 2851 वोट हैं, 2851 में से ऊपर वाले की दुआ से अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 1400-1450 वोट बीजेपी के हैं पक्का। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ। जी, इस तरह का चुनाव है, क्या मांग करते हैं? अभी चुनाव में तो ये सही सरकार सही चल रही, बहुत सही चल रही सरकार, इस सरकार ने बहुत फायदे करे। जी हमें तो यही चाहिए, हमें तो पेमेंट हमारा टाइम से पहले आ रहा, इस सरकार में पहली सरकार में कभी नहीं आया। दूसरे जो जंगल की बिजली का बिल आधा कर दिया, एक गरीब जनता को जो नाज मिल रहा, जो सरकार इसी अच्छी लग रही है हमें तो इसलिए। जी मेरा नाम कुछ कुछ है जी। भाई जो जोर लग रहा है फिलहाल पार्टी का रालोद और उसमें बीजेपी में गठबंधन चल रहा है, फिलहाल हमें बीजेपी की साइड से ज़्यादा उम्मीदवार दिख रहे हैं जीतते हुए, बीजेपी का पलटा ज़्यादा भारी लग रहा है फिलहाल। हाँ, लगातार बीजेपी की सरकार है, उसके बाद किस तरह के विकास के मुद्दे हैं और क्या चाहते हैं? भाई विकास की बात की जाए, देखो एक तो थोड़ा सा दंगों का मैटर जो उठा हुआ है उसमें लग रहा है समय ज़्यादा, तो विक्रम सैनी दंगों का पीड़ित था और दंगे के उस पर ही उसको वो हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। बीजेपी की सरकार में सुरक्षा तो है ही, और कुछ हो या ना हो, सुरक्षा के मुद्दे पे बीजेपी को वोट दी जा रही है, मेन सुरक्षा के मुद्दे पे वोट दी जा रही है। हसरत, कौन से गांव में रहते हैं? टांगेड़ी में। विधानसभा में उपचुनाव है, किस तरह चुनाव देख रहे हैं? क्या चुनाव तो पूरा पूरा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और जाएगा भी, इंशाल्लाह वही जीतेगी बीजेपी में पक्का जी। अच्छा, आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी भी यहाँ मैदान में आए भी होंगे गांव में, किस तरह के वादे वे करते हैं और क्या उनसे अपेक्षाएं करते हैं? ठीक है, वादे तो सब करते हैं लेकिन इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे पता चलता है कि कौन सा कौन सा वादे तो सभी करते हैं। बीजेपी से उम्मीदवार यहां पे आई, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे और किया भी है और कर भी रहे हैं। पिछली योजना में उनके पति यहाँ से विधायक रहे हैं, किस तरह के उनके काम थे, योजनाओं का कितना लाभ क्षेत्रवासियों को दिला पाए? देखिए बीजेपी पार्टी ने बहुत विकास कराया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, कौशल विकास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और भी काफ़ी काम है, जो चाहे वो राशन का काम हो, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के काम किया है और जनता तक वो पहुंच भी रहा है। देखो चुनाव तो टक्कर का है भाई, कौन बचा पाएगा कौन नहीं है कहना बड़ी मुश्किल है। तो क्या लगता है इस बार के पहले चुनाव में क्या? नहीं, परिस्थिति तो बढ़िया है भाजपा के लिए, वे भी मजबूत स्थिति में है, इसीलिए कांटे की टक्कर है। बाहुबली का तो कुछ नहीं उठता, बाहुबली तो बहुत है मुजफ्फरनगर में। चुनाव को तो भाई भाजपा का वहाँ ज्यादा बोलबाला है, वो तो पढ़ना तो ही, वो तो छोटे चुनाव का पड़े तो बड़े चुनाव है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।